हेलो फ्रेंड्स, पावन धरती पे आपका स्वागत है। तो क्या आपको पता है जिस मंदार से समुद्र का मंथन किया गया था वो कहाँ है? तो मैं आपको इस वीडियो में आज दिखाने वाली हूँ। तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। ये देखिए, मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। यही वो पर्वत है जहाँ पे समुद्र मंथन किया गया था। इसको मंथनी के रूप में इसका यूज किया गया था। समुद्र मंथन की कहानी तो हर कोई जानता है और हम लोग भी बहुत सारे सीरियल, मतलब शिव पुराण और ओम नमः शिवाय, बहुत सारे धार्मिक सीरियल में देता रहता है समुद्र मंथन की कहानी। इसमें सूर और देवता दोनों ने मिलकर कई तरह के रत्न और कालकूट विष निकाले थे, जिसे भगवान शिव ने ग्रहण किया था। तो चलिए, मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ वो जगह। और यहाँ पे बिहार और झारखंड का यहाँ पे पास में ही बॉर्डर है। और अगर आप आ जाते हैं तो फिर देखिए, रास्ते में बहुत कुछ है। यहाँ पे बच्चों की टॉय वगैरह बहुत सारी चीज है, वो मिल जाएगी। और अभी हाल फिलहाल ही यहाँ पे रोपवे चालू हुआ है, जिसका प्राइस 120 है। तो मैं टिकट काउंटर आ चुकी हूँ। 120 रुपए चार्ज है, जिसका आप जाना और आना दोनों चार्ज है। ये 9 बजे से लेके 1 बजे तक ये चलता है, और 1 घंटे का ब्रेक लेते हैं जिसमें उसका मेंटेनेंस करते हैं। और फिर ये 2 बजे से स्टार्ट होता है, 5 बजे तक चलता है। और ये बुधवार को ये बंद रहता है। तो मैंने टिकट ले लिया है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। मैं बैठ चुकी हूँ। काफी अच्छा यहाँ का वेदर हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये जमीन तल से ये पर्वत की ऊंचाई करीब 700 फीट ऊंची है। और कहा जाता है कि समुद्र मंथन में ये मथनी का काम किया था ये पर्वत। और अभी भी बोलता है कि इसमें अभी भी निशान है भगवान शिव के सांप की, जिसके द्वारा मथनी की गई थी। और जब आप ऊपर टॉप पे आ जाते हैं, यहाँ पे जैन मंदिर भी है। गहराई से जुड़ा हुआ है। जैन धर्म के 12वें तीर्थ अंकर वासुपूज्य को इसी पर्वत पर निवान प्राप्त हुई थी। वासुपूज्य चंपा राज घराने के थे, जिसका आधुनिक नाम भागलपुर है। तो चलिए, अब हम लोग डिसाइड किए हैं कि हम लोग वापस पैदल उतरेंगे। तो यहाँ पे गुफा है जिसका नाम राम भरत गुफा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे कहा जाता है कि पैर पादुका है यहाँ पे उनकी। और यहाँ पे जब आप उतरेंगे तो करीब 20 से 30 मिनट आपको लगेगा उतरने में। रास्ते में आपको पानी वानी मिलता रहेगा। और यहीं पे सीता कुंड एक जगह है, जहाँ पे एक तालाब है। ऐसा दंत कथा है कि माँ सीता यहीं पर स्नान कर लव कुश जैसे योद्धाओं की माता होने का गौरव प्राप्त की थी। यहाँ पे ढेरों दंत कथा ऐसी बोली जाती है। हम लोग नीचे आ चुके हैं और यहाँ पे एक मंदिर है, जहाँ पे माता लक्ष्मी और भगवान शिव की मूर्ति है। और ये देखिए, ये है, ये पाफड़नी तालाब है इसे कहा जाता है, जिससे सारे रोग दूर हो जाते हैं इसके स्नान करने से। और ये मकर संक्रांति के दिन यहाँ पे काफ़ी पूजा, काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। और यहाँ पे मेला भी लगती है, और यहाँ पे लोग स्नान करने के लिए स्पेशली आते हैं। यहाँ पे
ये बहुत मान्यता है यहाँ पे लोग अक्सर आते हैं नहाने के लिए। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करें। अगर पसंद आ गया हो तो प्लीज़ लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें।